एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ दिन से, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं गांव में हूँ वीडियो बनाती रहूँ और आप लोगों तक पहुँचाती रहूँ अपने गांव की, मतलब हमारे गांव में क्या क्या चल रहा है आजकल। सारे गाँव में ऐसे ही चल रहा है, मतलब अपने गाँव का दिखा रही हूँ और दिखाना भी बनता है। बाकी आज मैंने बहुत बड़ी बिंदी पहनी है दादी की, क्योंकि निकल गई थी तो मैंने यही पहन ली। बाकी कल से बारिश का मौसम हो रखा है। मैं शाम को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि काम इतना था कि बारिश एकदम से हो गई, तो बारिश दिखाना भूल गई मैं। उसके बाद बाहर पे रखे थे तिल वगैरह, तो उनको समेटने में लग गई। अभी मैं दिखाती हूँ, इतना ख़तरनाक मौसम हो रखा है। मतलब यार मुझे नहीं चाहिए थी बारिश आजकल, क्योंकि काम करना था। और आज मैंने देखो क्या क्या काम किया, क्योंकि हल्की हल्की बारिश थी तो घर का काम किया मैंने। आज दिखाती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे रायता है, दिन का खाना बन चुका है, रोटी बनाई है और मैंने अपने लिए भात बनाया है। ये है ककड़ी। आप लोगों ने किसी ने जो बाहर से होंगे ना, उन्होंने नहीं देखी है, ये पहाड़ी ककड़ी है। खीरा इसका छोटा भाई होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ऐसा फैला हुआ है, मतलब अभी ये क्या है, बाकी मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने डब्बे साफ किए हैं, इतने सारे मैंने कपड़े धुले हैं आज। तो ये है मेरा काम आज का। दर्शन नज़ारा आजकल घर नहीं दिख रहे हैं, इतने सारे कद्दू का बेल, लौकी की बेल, मतलब पूरी झाड़ी झाड़ी हो रखी है। नज़ारा आप लोगों को दिखाया मैंने, और अभी मैं खा रही हूँ, मतलब मैं खाना खा रही हूँ और उसके बाद देखती हूँ जो भी अपडेट रहेगी आपके लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर बारिश रहेगी तो तब क्या ही दिखाना है, तो और बारिश दिखाएंगे। और हाँ, नाती भी आ गया है मेरा आज, तो उनसे भी मिलवाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बारिश बंद है तो मैं सोच रही हूँ खेत चले जाऊँ, तो मैं चाय बना रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। चाय पीते हैं पहले, मौसम अच्छा हो रहा है अभी। ये मैं डब्बे अंदर लेके आ गई हूँ, शाम का टाइम है, और मतलब शाम नहीं, अभी 3 बज रहा है। कपड़ों का जुगाड़ देखो मैंने कैसे किया है। यहाँ से नहीं दिख रहा ना, ये गरम गरम चाय। निकल तो गई हूँ खेत के लिए, लेकिन बारिश आने का मौसम भी हो रखा है और वहाँ बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए अकेले भी नहीं जा सकती हूँ। तो दादाजी भी आ रहे हैं और काफ़ी दूर है। गांव में तो ऐसे चलता रहता है, मतलब जब काम शुरू हो जाता है ना, तब न खाने की फुर्सत रहती है, ना सोने की। मतलब बारिश आती है तो ऐसा लगता है कि भाई काम फटाफट निपट जाए।
तोर, ये है कोदा यानी कि मंडुआ, ये है पहाड़ी स्पेशल दाल, सिर्फ पहाड़ों में मिलती है। धूप यहाँ पे आ रखी है, अभी मैं यहाँ पे तोली गांव है, मतलब रानो है लेकिन तोली नाम है यहाँ का, तो अभी मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, मतलब उधर से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का नाम अंधेरी है, ये धुंधला धुंधला दिख रहा है इधर से, तो अभी आधे रास्ते पहुँची हूँ, इतना ही और जाना है। दिखाती रहूँगी आपको, थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी, जितना भी होगा खेत में जाके भी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो झंगोरा है वहाँ पे काटने के लिए, तो उसको काटने जा रही हूँ मैं। अभी तो धूप यहाँ पे है क्योंकि 3 बज रहा है अभी दिन का, तो मैंने सोचा कि चले जाती हूँ क्योंकि कल भी बारिश रहेगी, कोई भरोसा नहीं है, मौसम साफ नहीं है अभी भी, इसीलिए। अब थोड़ा ही दूर है मतलब खेत आने वाला है, इतनी सारी जंगली मुर्गियाँ थी ना, वो मुझे देख के ऐसे भागी कि क्या बताऊँ। रास्ता दिखाती हूँ कैसा है, ये देखो ऐसे गुफा से नीचे आना है, और ये रहा, अब बस खेत में पहुँचने वाले हैं। वो मुर्गियाँ पता नहीं कहाँ चली गई यार, मुझे लग रहा भाग के काफ़ी नीचे चली गई है, इतनी थकान लग गई है ना, इतना दूर है ना ये खेत, मतलब यहाँ आते आते इंसान यहीं आते आते थक जाएगा। जो मैंने अपने वीडियो में आपको आम दिखाए थे ना, वो यहीं के थे। यहाँ से भी दूर है थोड़ा, स्कूल है वहाँ पे, तो वहाँ से लेके आए थे, कुछ यहाँ से थे। बस पहुँच चुके हैं। जो ये खेत है ये मेरी बड़ी सासू लोगों का है, और किसी और को दे रखा है उन्होंने, काट दिया है झंगोरा। बाकी ये रहा हमारा खेत, यहाँ पे हमने उड़द की दाल बोई है, काली दाल, लेकिन इतनी बारिश आ रही ना, सारी ख़राब हो चुके हैं, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा इन पे। तो ये रहा वो है खेत जिसमें झंगोरा काटना है, धूप ये है, यहाँ से गौचर अच्छा दिखता है, सारी गांव भी दिखता है यहाँ से, वो है सारी गांव, दिख रहा। तो ये रहा झंगोरा जी, यहाँ तो कोदा भी है यार, मंडुआ मतलब। अब मैं इसको काट के दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो कैसे बनाओ काटते टाइम। पूरा झंगोरा हमने काट दिया है, और ऐसा था मतलब हाल ऐसे थे, पूरा लेटा हुआ था, और कोदा था जो वो भी हमने काट दिया है। ये है सारा काम हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं घर, दादा चले गए हैं और मैं जा रही हूँ। इतनी सांस इतनी तेज़ तेज़ चल रही है ना, क्या बोलूँ, अब सीधा घर जाके मिलूँगी आपको। अब घर पहुँच चुके हैं, घर आके चाय पी जा रही है, बाकी इतनी थकान लगी है ना आज, क्योंकि दिन में आराम भी नहीं हुआ। बस अब मैं घर का काम करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय।